भाजपा का समर्थक देश का हिसाब समझता है जब अपने नाम के आगे हिंदू लगाएगा, हिंदू अभिषेक, हिंदू सीताराम, हिंदू मुकेश। मैं कहता हूँ ये देश तब बदलेगा जब तुम अपने नाम के आगे शिक्षित लगाओगे। शिक्षित अभिषेक लिखो, शिक्षित सीताराम लिखो, शिक्षित मुकेश लिखो, हिंदू और मुसलमान मत लिखो अपने नाम के आगे। मैं कह रहा हूँ एक वक्त आएगा, हो सकता है उसे आने में 20 साल लगे, 25 साल लगे, जब ये नेता अभी आज स्टेज पर चढ़ते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं और नेता प्राउड फील करते हैं। वो दिन दूर नहीं, लेकिन आएगा वो वक्त कि एक वक्त ऐसा होगा कि जय श्री राम के नारे लगेंगे और इनका विरोध होगा। अभी मोदी जी ने कहा है, तो लेटेस्ट में कहा है कि मोदी की गारंटी चली, अब की बार 400 पार, जनता बोल रही है, क्या बोलेंगे? अब की बार देश बीमार, इसलिए 400 पार। और मोदी जी का क्या है, मोदी जी पिछले 10 साल से बोली तो रहे हैं, कब तक बोले पे वोट दें? ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि बोले के अलावा अगर जमीन पर कुछ दिखे। जमीन पर देखने का बहुत आसान तरीका है कि जो मोदी जी के वोटर हैं, मैं ये जानता हूँ मोदी जी के 80% वोटर, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बस वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करें, अपने खाते को नमन करें जब वोट देने जाएं, ठीक, अपना फोन पे, गूगल पे और अपनी बैलेंस हिस्ट्री चेक करके जाएं और उसके बाद वोट डालने जाएं, अपने आप पता चल जाएगा मोदी जी 400 पार आने चाहिए या नहीं, मोदी जी चुनने चाहिए या नहीं चुनने चाहिए। और कोई बात नहीं है, सिलेंडर है, सिलेंडर देखो, घरेलू वस्तुएं देखो, किसी भी घरेलू लिवलीहुड पर जो बेसिक नीड है भारत की हर व्यक्ति की, उस बेसिक नीड की तरफ निगाह दौड़ाएं, ठीक है। आपको वोट देने से पहले अपने मोहल्ले का अस्पताल विजिट कर लो, ठीक है, जो आपके घर के 2 किलोमीटर के एरिया में है, अगर नहीं है तो समझ लो, ठीक, 2 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, अपने घर का, ठीक है, सिलेंडर है, सब्जियां हैं, घर की किसी भी निगाह पर, ठीक, किसी भी चीज़ पर निगाह दौड़ा लो, हर चीज़ चीख चीख कर कह रही है डू नॉट चूज अगेन, दोबारा मोदी नहीं चुनना चाहिए, ठीक। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में दंगा, दिल में पंगा है, दिमाग में धर्म है, तो वो बार बार चीख के कह रही है कि तुम मोदी को चुनो। किसी भी घर की चीज पर निगाह मार लो, किसी भी चीज पर, कपड़े पर, जूते पर, राशन पर, ठीक, सिलेंडर पर, गैस पर, डीजल पर, बाइक पर, किसी भी चीज पर उठा लो, 2014 के कंपैरिजन में हर चीज एक्सपेंसिव है, हर चीज महंगी है, ठीक। तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आय भी बढ़ी है लोगों की। देखो, महंगाई को कंपेयर करने के लिए, जांचने के लिए आदमी का मानसिक स्तर, मानसिक लेवल ठीक होना चाहिए, ठीक। जब लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है तो उसको महंगाई क्या दिखेगी, ठीक। मंदिर में बैठे हुए भिखारी को कभी महंगाई लगती नहीं, क्योंकि उसे क्या है, भीख मांगकर खाना है, ठीक, उसकी कमाई का जरिया बिना मेहनत के है, ठीक। तो देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ये बात भी सच है, ठीक है, जो धर्म के मुद्दे पर हर चीज़ करने को तैयार है, हर चीज़ के लिए उन्होंने धर्म को जरिया बना लिया, ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो जिम्मेवार नागरिक है, जो देश का जिम्मेवार नागरिक है, जिस पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, और जो देश के लिए सोचता है, वो घर के चारों तरफ, अपने मोहल्ले के चारों तरफ निगाह दौड़ा ले, ठीक। और अगर किसी एक चीज से भी निकल जाए कि मोदी को वोट दो, तो मैं कह रहा हूँ मोदी को वोट दो। हर घर मोदी तो हो रहा है, मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं, हर घर मोदी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ घर का सिलेंडर देखो घूर के, ठीक, अगर सिलेंडर से आवाज आए कि मोदी जी की वजह से ये 1000 रुपए का हो गया, पहले कांग्रेस में 400 का था, तो मोदी जी को चुन दो। घर के पेट्रोल, बाइक देखो, अगर बाइक पहले 40-50 हज़ार रुपए की थी और अभी 1 लाख की है, बाइक चीख कर गए मोदी को वोट दो तो दे दो जी, ठीक। अगर पेट्रोल की कीमत पहले जो थी तुम्हारी, ठीक है, 70 रुपए, 75 रुपए, 78 रुपए थी, मोदी जी के टाइम पर 98, अगर वो चीख कर गए मोदी को वोट दो तो दे दो मोदी को वोट, ठीक। अगर घर का राशन, आटा, पानी, तेल, ठीक, जो भी बेसिक नीड है, इंसान जो खाता है, जो यूज में लेता है, डेली बेसिस पे कंजप्शन है जिसकी, उसकी तरफ निगाह दौड़ाओ और वो कहे कि मोदी को वोट दो, तो बिल्कुल मोदी को वोट दे दो। और इन सब चीजों को छोड़ो, तुम सिर्फ अपना सेविंग अकाउंट देखो यार, अगर सेविंग अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, मोदी को वोट दो। क्या बोल रहे नहीं, वो उनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मोदी के समर्थक की ये भी विडंबना है, उसको मोदी चाहिए तो सही, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकता मोदी क्यों चाहिए इस देश में। भाई यही तो दुर्भाग्य है कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हम 100 कारण बता रहे हैं कि इसलिए नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मोदी चाहिए, उसके लिए एक कारण है मंदिर, ठीक। देश का डेवलपमेंट कोई कारण ही नहीं है, कहते सड़क बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जिस हिसाब से टैक्स की वसूली हो रही है, जिस हिसाब से टोल टैक्स लग रहा है, मैं कह रहा हूँ मोदी के अलावा कोई दुनिया की गवर्नमेंट होती, किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऐसा ठेका दिया जाए और इतनी कमाई का अवसर दिया जाए तो कोई भी बना देगा। और दूसरी बात, सड़क बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री
सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग नेता नितिन गडकरी। मोदी जी ने कितनी बार नितिन गडकरी का नाम लिया, किस सड़क उद्घाटन में कहां, किस सड़क उद्घाटन में नितिन गडकरी का फोटो लगा है, कहां पर मुख्य चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। मतलब जो काम कर रहा है तुम उसको भी अहमियत नहीं दे रहे, और फिर कह रहे हो डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। अमित शाह से टीवी भारत 9 वर्ष के एक पत्रकार ने पूछा था कि राम मंदिर का आयोजन बीजेपी का आयोजन था, तो अमित शाह ने दो टूक कहा कि कौन सा बीजेपी का नेता, कौन सा बीजेपी का था उसमें। उस पत्रकार को ये नहीं पता कि बीजेपी का कौन था, मोहन भागवत आरएसएस के, वो बीजेपी के नहीं थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, सारा तो बीजेपी का इवेंट था। और वो पत्रकार पता है उनके हमारा क्या कहता है, ठीक बात है, ठीक। ये चुप्पी बता रही है कि देश में तानाशाही चल रही है, ये जो पत्रकार का साइलेंस है ना, वरना पत्रकार पर सवाल की कमी नहीं होती, वो नेता को चुप करा देता। पहली बार हमने टीवी पर देखा कि किसी पत्रकार को चुप होना पड़ा, तो डर बड़ी चीज है, ठीक है, तानाशाही है, ठीक है, डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के पीछे तानाशाही है, इतना ही फर्क है। इंदिरा में और मोदी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इंदिरा खुलकर कहती थी मैं तानाशाही कर रही हूँ, और मोदी जी खुलकर कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि चेहरे पर अच्छाई का मुकुटा लेकर चलना है, और ऐसे लोग ज़्यादा घातक होते हैं जो तुम्हारा भला दिखाने की कोशिश करते हैं मगर अंदर से कपटी होते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 40 चोर मिल गए हैं मुझे हराने के लिए, 40 चोर मिल गए। अच्छा एक बात है, बहुत बहुत छोटी सी फिलोसफी चलती है कि मोदी जी ईमानदार हैं, जो ईमानदार होगा ना वो बेईमान को अपनी पार्टी में नहीं लेगा, ठीक है। नारायण राणे महाराष्ट्र के बहुत बड़े घोटाले में नाम था, बीजेपी में आए, पाक साफ हो गए। अगर वो घोटालेबाज थे जो किस पार्टी में आए तो वो भी तो घोटालेबाजों की पार्टी हुई, ठीक। हेमंत विश्व शर्मा घोटालेबाज थे, अगर बीजेपी में आए तो बीजेपी भी तो घोटालेबाजों की पार्टी हुई। अगर मोदी जी वास्तव में अजीत पवार, पीछे नाम आया ना अजीत पवार, मतलब इतने घोटालेबाज इस वक्त बीजेपी में है कि दूसरी पार्टियों में चोर बचे कहाँ, सारे चोर तो बीजेपी में है आज की डेट में, ठीक है। मोदी जी पे क्या हथियार है, विपक्ष में कुछ भी पावर नहीं है, कांग्रेस के पास कोई भी पावर नहीं है। कोई बंदा अगर कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो रीजन क्या होगा, मॉरेलिटी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना सत्ता है ना पावर है, ठीक। तो वो सिर्फ नैतिकता के आधार पे तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, या भैया ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करेगा, आम आदमी ज्वाइन करेगा, तो किस आधार पे, नैतिकता के आधार पे, मॉरेलिटी के। लेकिन बीजेपी को ज्वाइन करने की 100 बजाय पावर मिलेगी, सत्ता मिलेगी, सीबीआई ईडी से छूट मिलेगी, ठीक है, करप्शन के चार्जेस से फ्री मिलेंगे, और मिला है देश में जितने लोगों पे, मैं कह रहा हूं आज की डेट में जितने लोग विदेश भागे हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अगर ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लेना वापसी आके, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कल से सर्टिफिकेट दे देगी। ऐसा क्यों होता है, बीजेपी में जाते लोग साफ सुथरा क्यों हो जाते, ये सवाल तो बीजेपी से पूछो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बीजेपी ऐसा कर रही है ये तो दुर्भाग्य है ही, देश की जनता नहीं समझ रही उससे बड़ा दुर्भाग्य है। वरना ऐसी स्थिति जब आ जाए ना देश में, तो देश की जनता को सड़कों पर लाठी डंडे जूते चप्पल लेकर पहुंचना चाहिए नेताओं के स्वागत के लिए, ठीक है। ऐसी पार्टी का देश में होना घातक है। देश की कह रहे हैं कि हर कोना विकसित हो रहा है, मेरा मकसद है कि हर देश का कोना विकसित करना। देश के कोना, कौन सा कोना विकसित हो रहा है देश का, मुझे बताओ। आज एम्स की बात होती है, मैं गिना देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में एम्स है क्या, मिजोरम में एम्स है क्या, मणिपुर में एम्स है क्या, बताओ, नागालैंड में एम्स है क्या, बताओ ना मुझे, नहीं है ना भाई साहब। तो बताओ देश के इतने राज्यों में एम्स नहीं है, ठीक। अभी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, पंजाब में भी अभी आधा है, ठीक है, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू बना के चले गए, हरियाणा में है क्या एम्स, नहीं है ना, ठीक है, राजस्थान में पहुंचा क्या एम्स, नहीं पहुंचा ना अभी। अरे भैया तुम दुहाई दे रहे हो कि हर कोना, आओ कोने कोने में, कोना छोड़ो, तुम गाजियाबाद का एक गांव दिखा दूंगा तुम्हें, नोएडा का गांव दिखा दूंगा जहां पर सड़क नहीं है, तुम हॉस्पिटल और कोने डेवलपमेंट की बात तो छोड़ दो, ठीक है। ये सब देश को गुमराह करने की बात है, देश बहुत बड़ा है, मोदी जी जितना बोलते हैं ना उससे कई हजार गुना बड़ा है, और देश बनता है देश के लोगों से, भाजपा और कांग्रेस से नहीं बनता। ये इस देश का भला तब तक नहीं हो सकता, गारंटी दे रहे ना आपकी बार 400 पार हम लेकर, ये भी दुर्भाग्य है। मोदी जी गारंटी दे क्यों रहे हैं, तुम कौन हो गारंटी देने वाले लोकतंत्र के अंदर, गारंटी देगी इस देश की जनता। भाई चुनाव आए तो नेता के मन में डर आना चाहिए, खौफ आना चाहिए कि क्या चेहरा लेके जाऊंगा, मैंने काम किया है जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जनता दोबारा चुनेगी नहीं चुने, मतलब डर आने के बजाय तुम में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें आप दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो गया है, कि अगर सत्ता का कैसा दुरुपयोग होता है वो आपके सामने है। यह नाश
सत्यानाश अब सर्वनाश पर हो गएगा यह देश। मतलब जब इस देश को होश आएगा, इस देश के लोगों को होश आएगा, मुझे ये लगता है ये देश अपनी बहुत बड़ी संपत्ति को खो चुका होगा। ठीक है, बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश जो है खत्म हो चुका होगा इस देश से। ठीक है, क्योंकि इस देश में लोग लोगों से लड़ने निकल चुके हैं। आज प्रोटेस्ट पे कोई किसान बैठ जाए तो नकली किसान किसान वर्सेस असली किसान हो जा रहा है। ठीक है, सीए के प्रोटेस्ट पे बैठ जाए तो भैया हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जा रहा है। मतलब पब्लिक पब्लिक को समझाएगी, अरे प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ, सड़क पर सरकार को आना चाहिए, बैकफुट पर सरकार को आना चाहिए, जनता क्यों समझा रही है? ये पब्लिक कौन है जस्टिफाई करने वाली कि वो किसान है कि नहीं है? कांग्रेस भाई सरकारें जवाब दे ना, सरकार जवाब दे नहीं रही। और तो यही कह रहे हैं फंड दिया जा रहा है उन्हें कांग्रेस की तरह। अरे मैं कह रहा हूँ फंड दिया जा रहा है तो भी सरकार की गैर जिम्मेदार हरकत है। फंड आ कैसे जा रहा है सरकार की बिना मर्जी के? सरकार का इतना भी कंट्रोल नहीं है? आप कह रहे हो पब्लिक कौन हो रही है बोलने वाली? आप तुरंत ही कह रहे हो लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। प्रोटेस्ट में पब्लिक नहीं बोलेगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगी। कमाल है लॉजिक आपका। पब्लिक बोलेगी सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र जिंदा का मतलब क्या होता है? आप शासन के विरुद्ध खड़े होगे, शासन से सवाल करोगे, बुलवाने आए, यही लोकतंत्र है ना? हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो। आप कह रहे हो पब्लिक कौन बोलेगी? बोलेगी नहीं तो लोकतंत्र कैसे हुआ? पब्लिक नहीं, मैंने कहा पब्लिक कौन है ये समझाने वाली कि कानून ये है। सीए का प्रोटेस्ट सुनो, समझाएगी इनको भी हमें भी, और पब्लिक समझाएगी वोट से सरकार को भी। है नहीं बोलेगी। सवाल मेरा अगर सरकार से है, मेरा अगर विद्रोह, ठीक, मेरा विरोध सरकार के खिलाफ है तो लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है मुझे सेटिस्फाई करना, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, पब्लिक की जिम्मेदारी, किसानों ने जो आंदोलन किया है वो सरकार के अगेंस्ट किया है, लोगों के खिलाफ तो नहीं। वो भैया वो तो मैं बोल रहा हूँ लोगों के अगेंस्ट थोड़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। मोदी राज्य में क्या विकास हुआ? आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत देर से सुन रहा था, थोड़ा सा बहुत अच्छी बात कही आप। ये देखिए किसान पंजाब के हैं, किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, हर जगह हर चीज़ नहीं बूती है। MSP कोई भी आएगा वो नहीं दे सकता है, MSP नहीं दे सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। और उसकी जगह कुछ फसलें होती हैं उसका जो है मापदंड गवर्नमेंट बनाती है, उसके माध्यम से होता है। दूसरी बात, जो मान साहब जो बने पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, आप ये देखिए मान साहब ने उन्हें भड़काया, पहले कहा कि हम MSP देंगे, हमारी सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई पंजाब के अंदर तो हम MSP देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं बोलती है? आप मुझे बताइए ना सरकार क्यों? ये कह रहे थे दुर्भाग्य इस देश का, आप मुझे बताइए सर। और कुछ कंप्लीट नहीं, मेरा सुनो, पहले MSP। पहली बात, हमारे देश में छोटी से छोटी चीज़ पर MRP है, पेन पर भी MRP है। ठीक है, बच्चे के खाने की चीज़ पर भी लिखा होता है 1 रुपये 2 रुपये। ठीक, और जो लिखा होता है ना वो निर्धारित कीमत होती है, कई बार उससे कम में भी मिलती है, कई बार उससे ज़्यादा में भी मिलती है, हमारे देश में ऐसा होता है, लेकिन कीमत निर्धारित हो जाती है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो जब सब चीज़ों पर निर्धारित है तो MSP पर निर्धारित क्यों नहीं हो सकती? और दूसरी बात, ये कह रहे हैं नहीं हो सकती तो भी ये क्यों बताएंगे? सरकार ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस बात को समझाने के लिए किसानों को? सरकार ने कितना डिस्कशन किया है किसानों को इस बात के लिए? नहीं हुआ ना, हमने तो कोई डिस्कशन नहीं देखा। सरकार ऐसा कह रही है, सरकार वैसा कह रही है, सरकार बता रही है कि क्यों नहीं हो सकती। अरे नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती ये भी समझाओ किसानों को, और हो सकती है तो क्यों हो सकती है ये भी समझाओ। ठीक, और रही बात मान सरकार की, ठीक है, पंजाब की, वो है स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, और मान सरकार ने क्लियर कहा कि ये जो है कृषि मंत्रालय ये सेंट्रल के अधीन आता है, मैं सब्सिडी दे सकता हूँ और मैं तैयार हूँ। ठीक है, जितनी सब्सिडी राज्य की तरफ से मिल सकती है फसलों पर मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर फिर भी कानून बनाए, क्योंकि कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है, और कानून भैया विधानसभाओं में नहीं बनते। ये कह रहे हैं ना भाई मान सरकार क्यों नहीं दे रही, कानून संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा लोकसभा में बिल पारित होते तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब कानून बनता है, ये प्रणाली है। वो बात आपने अच्छी कही, और इस बात पर मैं आपको फिर पीछे लेके जाता हूँ। आप ये बताइए ना, जब उन्होंने वादा किया था कि हम MSP देंगे, आप सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर डाल ले के वादा किया मोदी सरकार, ठीक है, अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका दिया जाता है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं आप ये देखिएगा कि अगर वो फसल सड़ जाए उसका MRP रेट दे देंगे वो। बताइए कोई माल आ रहा है भाई, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है वस्तुएं नाशवान होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है वस्तुएं नाशवान होती हैं। ठीक है भाई, भाई पदार्थ हर तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, इस तरीके गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा है सेमी ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलने के बाद खराब होता है, लेकिन आम केले सेब, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल है, सुबह से लेकर शाम तक खराब हो जाते हैं। तो इनकी मांग और डिमांड
ठीक उसी हिसाब से घटती बढ़ती है। एमएसपी निर्धारित नहीं हो सकती, कई चीज़ों पर नहीं हो सकती और हो भी सकती हैं ठीक, लेकिन जिन फसलों पर हो सकती है उसका एक लिस्ट दी है किसानों ने। मोदी सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, शायद ये समझ नहीं पाए ठीक है। जो सरकार ने कहा था कि हम ये करेंगे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, जो सरकार ने नहीं कहा तुम नहीं दे सकते थे। तो मोदी जी ने दो साल पहले जब आंदोलन चल रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई, तब प्रॉमिस किया क्यों, और अगर प्रॉमिस किया तो पूरा किया क्यों नहीं? क्यों किसान प्रोटेस्ट में? इसलिए क्योंकि सरकार का पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, सरकार में रहते हुए तुम नहीं कर रहे, इसकी क्या गारंटी जीतने के बाद दोबारा कर दोगे तुम? तो और पावर, तुम्हें चुनावों का डर नहीं है? ये माफ कर लेंगे, बिल्कुल। देखो मैं ये कह रहा हूँ किसानों का प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ है, ये चीज़ें समझ रहे हैं ठीक है। ये किसानों को समझा तो सकते नहीं, सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष तो है नहीं, सरकार ही समझाएगी ना। सरकार मीडिया में मोदी जी नोटबंदी कह सकते हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मन की बात कर सकते हैं पौना घंटा डेढ़ घंटा, अरे एक घंटा किसानों को समझा दो रेडियो पर, सारा किसान सुनेगा ठीक है। कोई सा तुमने देखा कहीं न्यूज़ चैनल पे भाई मोदी जी आए हो, कोई कैबिनेट का मंत्री आया हो कि एमएसपी भाई लागू करने में ये चुनौतियां सरकार के पास, बताओ तुम ही बताओ किसानों कैसे करें? भाई देश का किसान समझदार है, सरकार के साथ खड़ा होगा, समझेगा सरकार की बात, लेकिन जायज भी तो हो। सरकार क्या कर रही है भैया, बॉर्डर सील कर रही है, कीले निकाल रही है। अरे भाई पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट देखा हमने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, किसी ने रोका था बॉर्डर पर? सारा रामलीला भरा हुआ था, सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, रोज शाम को हम निकलते थे, अन्ना हजारे जिंदाबाद ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लेके गली गली घर घर से निकलते थे। किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई करी? कोई बॉर्डर सील हुआ नहीं? हुआ ना, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करती थी वो सरकार। अरे इन्हें भी दे दो जगह भाई, ये पंजाब से हरियाणा तक आते हैं, एक कोई व्यवस्था डैमेज नहीं होती, लेकिन हरियाणा में बॉर्डर रोक देते हैं, दिल्ली में रोकते ही भैया कि किसानों ने उपद्रव कर दिया। अरे भैया अगर उपद्रव करना होता तो पंजाब में भी हो जाता ठीक है, बाकी रास्ते चल कर आए तब भी हो जाता। भाई जब तक एक्शन नहीं होता रिएक्शन नहीं आता, और एक्शन पे थोड़ा मोड़ा रिएक्शन दे ही देती है पब्लिक को। देखिएगा आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आंदोलन करत खालिस्तानी क्यों बताया जाए, खालिस्तानी है। देखिए उसके अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी भीड़ के अंदर यहाँ जेब कतर भी मिल सकता है इस चांदनी चौक के एरिए में, ये भी आप देखेंगे, अपनी जेब को भी संभाल के रखिएगा कि भीड़ के अंदर कोई अपना हाथ सफा ना कर जाए। तो ये हर जगह आंदोलन में कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो विद्रोह करा देते हैं जिससे कि किसान बदनाम हो जाता है। किसान बदनाम नहीं, किसान इस देश का अन्नदाता है और इस देश का अन्नदाता रहेगा, और ये जय जवान जय किसान है। और सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पीसफुल आइए, पीसफुल अपनी बात सरकार से रखिए, गवर्नमेंट कोई भी आए, सत्ता आती है जाती है, किसान की बातें कई दौर से मीटिंग स्टार्ट हुई हैं और मीटिंग होती रही हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, उनके अंदर भी अंतर किले इस बात का कि अपने अपने संगठनों के बीच में, जैसे कि यूपी के टिकेट साहब हो गए, इधर एसकेएम साहब हो गए, डीलर साहब हो गए, तो कई उनके भी संयुक्त मोर्चे के अंदर कई प्रॉब्लमें आ जाती हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि पीसफुल आप पीसफुल के बारे में मतलब पीसफुल तो भैया विद्रोह करता कौन है? मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी पहले लाठी चार्ज होता है पुलिस करती है, किसान आके लाठी चार्ज पथराव नहीं करता ठीक है। और भैया ऐसा है कि तुम 10 को मारोगे सबके मिजाज अलग अलग होते हैं ठीक, कहीं ना कहीं से रिएक्शन फूट ही जाएगा भैया, कितना भी तुम करोगे कितना भी कंट्रोल करोगे। अगर प्रोटेस्ट पर लाठी, बाबा रामदेव का आंदोलन था, रात में लाठी चार्ज कर दिया था कांग्रेस ने, बाबा रामदेव इधर से उधर कूदते भागते फिरे थे, और फिर क्या हुआ था, क्या वहाँ की पब्लिक ने उस टाइम विरोध नहीं किया था, क्या सब लाठी खा के निकल गए? नहीं, निर्भया का हुआ था वाटर कैनन से कितनी बोछार हुए थे, पब्लिक ने पथराव नहीं किया था, लेकिन सरकार ने पब्लिक को दोष नहीं मढ़ा कि तुम पाकिस्तानी हो खालिस्तानी हो। कितने कितने प्रोटेस्ट हुए देश में, कितने कितने आंदोलन हुए, लेकिन किसी को देशद्रोही नहीं कहा गया, किसी को खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं कहा गया ठीक है। भाई विद्रोह जनता करती है और छुटपुट हिंसा हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो भी बात सही है, लेकिन सरकारों का दायित्व है कि वो उनकी भावनाओं को समझे। प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, भाई सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा, ये गलत है ठीक है, और कोई बात नहीं। ये बताइए भाई मोदी जी के 10 साल कैसे रह गए आइए आप? देखिए मेरी बात सुनो भाई साहब, राहुल गांधी के ऊपर दुर्घटना में और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? अगर ये सांसद टिकट मिल जाए तो ये दुर्भाग्य है, अगर राहुल गांधी जीत जाए तो ये दुर्घटना है। क्या बोले, ताली बजा दो यार, ताली बजवाने के लिए आए यार, हंसे हंसे खुश हो गए इस बात पे, खुश हो गए बताओ। हेलो यार, ये बीजेपी के जस्ट पेड़ वर्कर है ठीक है, ये आए तो बीच में चुटकी मारने लगा कि पब्लिक हंस जाएगी ठीक है। दुर्भाग्य ये कि तुम ऐसी बात बोल रहे हो ठीक है। अरे राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, और वो जीते हारे कोई लेना देना नहीं है उससे, देश के लिए सोचो साहब, देश के लिए। 10 साल कैसे रहे मोदी जी? बहुत बढ़िया,
क्या क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। क्या क्या जैसे? बहुत मतलब कितने दिन बताओ मैं? दो चार बताइए आप मुझे बस। दो चार गाँव में शौचालय बढ़िया, राशन फ्री, साल भर में 6000 रुपए खाते में आते हैं, ठीक। चोरी चपाटी बंद, जो लोग भैंस चुरा के ले जाते हैं तो छोड़ने आते हैं, और क्या चाहिए? देखिए इतना सारा काम हो गया मोदी राज। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आदमी रहा चोरों के बीच में होगा उसकी मानसिकता क्या रही, क्या गांव में भैंस चुरा दे। अब जिसके गांव में ही चोर हो, ठीक, जिसके आसपास का माहौल ऐसा हो, वो आदमी कैसी मानसिकता रखेगा, ठीक है? अब अरे भड़को मत, सुनो, सुनी जाएगी तुम्हारी भी सुनी जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भैंस चुरा दे रहे। भाई पुलिसिया प्रशासन पहले भी था, ठीक है, और अब भी है, ठीक है। कानून भारत में संविधान वही था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, अभी भी है। कार्यवाही वैसे भी होती थी, अब भी होती है। हाँ ये ठीक है कि कार्यवाही का स्तर बढ़ गया, भाई पहले से अच्छा प्रशासन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक वजह देश में सोशल मीडिया है, ठीक है। योगी जी तो सख्त हैं, मानते हैं, लेकिन इसमें दूसरी वजह सोशल मीडिया है। आज से पहले 2014-12 से पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि आप किसी की वीडियो बना के लाइव डाल दो, कार्रवाई हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। पहले अब ये चीज़ बढ़ी है तो भैया कार्रवाई भी बढ़ी है। अब रही बात भैंस चुराने की, इनका गांव में शौचालय, तो भैया जब शौचालय नहीं था कहाँ जाते थे वो पूछना है, ठीक है। ये खेत में जाते थे, यानी ये इंतजार कर रहे थे कि सरकार इन्हें पैसा दे तब शौचालय जाएँ। यानी शौचालय यार 5-6 हज़ार रुपये के, जो इंसान 1-2 लाख का घर बना सकता है और बनाता है तो वो शौचालय जरूर बनाता अपने घर में, मोदी जी से पूछने नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं 80% 95% मान लो जो लोग घर बना रहे हैं वो अपने घर में वॉशरूम जरूर बनाते हैं, ठीक है। अगर वॉशरूम नहीं बना रहे तो उसका एक कारण धार्मिक कारण था कि भाई घर में गंदगी चीज़ नहीं होनी चाहिए, शुद्धता की एक विचार था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फाइनेंशियली डिसेबल था। अरे 250 रुपये की सीट बैठा ही सकता है यार, वो 1500 को टैंक खुदवा ही सकता है जब वो घर बना सकता है। तो रही बात शौचालय की, तो अब मोदी जी कहते हैं अभी 4 करोड़, ठीक है, शौचालय दिए, ठीक। यूपी की आबादी 24 करोड़, ठीक, 25 करोड़ मान लो, ठीक। अब एक आदमी एक फैमिली में लगभग 5 मेंबर मान लो, तो इस हिसाब से 25 करोड़, तो यानी 5 करोड़ घर हैं, उनमें से 4 करोड़ लोगों को शौचालय दे दिया। यानी यूपी में किसी घर में शौचालय था ही नहीं, ठीक है। यूपी में कहा गया क्या क्या विकास हुआ ये बताइए। लॉकडाउन लगा था, सिलेंडर फ्री मिला, लॉकडाउन में सिलेंडर फ्री मिला, हमें खुद दो मिले थे, ठीक है। अब कहा सिलेंडर फ्री मिला तुम्हें यार, खाना 70 मिले थे। अच्छा 3.5 लाख मुझे कॉलोनी मिली, भाई हम तो मोदी गुण गाएंगे। 3.5 लाख वाली कॉलोनी, 3.5 लाख वाली कॉलोनी, बस 2,67,000 तो सुनिए हमने, 3.5 का पता। 3 लाख रुपए वो, चलो, दो कमरे बरामदा और सूर्य ऊर्जा प्लेट और उस पर लाइट। और क्या क्या मिला? और राशन तो मिली रहा, राशन भाई हम लेते नहीं है, हमने कार्ड नहीं बनवाया राशन का। क्या बोलेंगे तो तुम्हें बेनिफिट मिला है गाँव में? एक नहीं 70 फिर तो तुम पे तो यार तुम्हें मिला होगा 3,67,000 रुपए, तुम्हें 3.5 लाख रुपए कॉलोनी मोदी सरकार से मिल गई। विकास क्या क्यों विकास बताइए, विकास क्या विकास का? कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, हम लोग क्लियर कहते हैं सरकार है मोदी है, मोदी ही रहेगा, कोई कोई कुछ भी करे, रोकिए भाई। सुनो मोदी है मोदी रहेगा, भाई मैंने बार बार समझा चुका हूँ, वोट देना मोदी कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं होता। इनके यहाँ कॉलोनी भी मिली होगी ना, तो मोदी ने आके नहीं दी होगी, इनके सांसद ने दी होगी, इनके विधायक ने दी होगी, इनके इलाके के ग्राम प्रधान ने दी होगी। तो भैया वोट देने के लिए तो मैं अपना ग्राम प्रधान देखना है, सांसद देखना है, विधायक देखना है, उसको देख के वोट दो, काम तो वही करेगा, ठीक। फिर वो किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा काम करता है, बीजेपी का हो, फिर भी बता रहा हूँ बीजेपी का हो, बीजेपी वाले को दे दो। वोट देना भाजपा कांग्रेस का विषय है ही नहीं, जबरदस्ती से मोदी, ठीक है, दावा कर रहे हैं ना मोदी है मोदी ही रहेगा, वोट जो है जनता। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ठीक है, इसे मोदिया बिंद बोलते हैं, ठीक है, ये मोदिया बिंद बोलते हैं, ठीक है। बीमार क्या आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? नहीं या किसी को सर्टिफिकेट? उन्होंने जो आप एक बता देता हूँ, सुनो मैं कौन हूँ, मैं बता देता हूँ, ये जनता की अदालत है, जनता जनार्दन का जो ये माइंड ले रहे हैं ना, मोदी को आप 10 ताले में बंद करके चले जाना, लेकिन जनता जनार्दन देश, सुनो ये जनता के हक और अधिकार हकूक की बात करें, जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करी जाती है, मोदी साहब ने धारा 370 हटाई, विकास देखिए, अभी देखिएगा कश्मीर के लोगों को रेल नहीं मिलती थी, ट्रेन। एक सवाल मैं, 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से वहाँ कोई भी आज देखिए पर्यटक करोड़ों रुपए का, जो बच्चों के हाथ में 500 रुपए देके और हाथ में देके और पत्थर दे देते थे वहाँ सारा, मतलब लाल चौक पे पत्थर मारते थे, आज वहाँ सारा खत्म हो गया। अगर वहाँ दो परिवार की वो थी सरकार, अब्दुल्ला सरकार की और अपने महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने वो जो चीज़ करी
वो गलत। आज वहाँ का अगर एक वहाँ का प्रधान भी होगा ना, वो लाल चौक पर जिस तरह हम चांदनी चौक पे हम दे रहे हैं अपने लोकतंत्र की परिभाषा को अंडा फहरा सकते, क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा था कंधे पे कोई, कंधे पे कोई जो है तिरंगा नहीं उठा सकता। क्या 2014 से पहले जम्मू कश्मीर 2014 से पहले लोग जा ही नहीं सकते थे, वैष्णो देवी मंदिर लोग जाते ही नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है भाई। 2014 के बाद जाना चालू हुए ऐसा लग रहा है भाई। हम वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर जाते थे, कटरा जाते थे, जम्मू जाते थे, लोग टूरिज्म के लिए जाते थे, डलहौजी जाते थे, जम्मू कश्मीर में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, मतलब 2014 से पहले कोई परिस्थिति नहीं थी वहाँ। अरे ठीक है, स्थिति में बदलाव हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, मगर भाई तुम, तुम्हारी जो स्थिति है वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर। अभी यूं तो हाथरस का कांड हुआ, ठीक, हाथरस कांड हुआ भाई, एक दलित बेटी जला दी गई, प्रशासन ने जलाई, क्या कार्रवाई, कौन सा डीएम कौन सा एसडीएम पे कार्रवाई होगी, किसका तबादला हो गया, किसको फटकार लग गई, किसकी नौकरी चली गई, उल्टा मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, फिर तुम कहते हो डिक्टेटरशिप नहीं है। क्या थी वो हाथरस में, क्या था? बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी गया, जयंत चौधरी गया, घुस पाए क्या वहाँ पर? नेता छोड़ो, देश का मीडिया घुस पाया क्या? एक प्रतिभा मिश्रा थी एबीपी न्यूज़ की, बार बार कोशिश करती रही, पुलिस वाले ने भगा दिया। ये चित्रा त्रिपाठी, इसको ऑफ कैमरा गाली दी गई वहाँ पर, कई पत्रकारों को दो दो साल सड़ा दिया जेल के अंदर। अभी दो दिन पहले, ठीक है, अभी बोलूंगा, संदेश खाली पे बोलूंगा, संदेश खाली, ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा, संदेश खाली पे। ममता बनर्जी, ओ ममता जो वहाँ की वो है चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर इतनी, कितना अच्छा नाम है ममता, माँ की ममता, इतने लोगों के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाला आदमी इतने दिन तक सरकार की उसके अंडर में रह के, और फिर उसको एफआरआई में नाम लेके और उसको वगैरह में करके आगे कर रहे हैं। लेकिन अब सुनो, अब देखो इनकी दिक्कत तो यही है कि इनको अगर कोई गलत चीज गिना दो तो फिर इसमें ये हिंदू मुस्लिम का एंगल और दूसरी सरकारों का एंगल लाते हैं। संदेश खाली, संदेश खाली भी गलत है भाई। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि वहाँ नहीं, नहीं सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, एक मिनट सुनो, सुनो संदेश खाली में अगर ममता 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 बनर्जी ममता है ना, तो वो महिला जो बिचारी गरीब गरबा की, वो दिहाड़ी बंद करने वाली, मच्छी पकड़ने वाले उसके तालाब में, उनके साथ जबरदस्ती बुला के उनके साथ बलात्कार करना, वहाँ बोलने की अधिकार नहीं, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है ममता बनर्जी के? मैं कह रहा हूँ संदेश, संदेश, अरे सुनो भाई, आप सुनो, आगे ले गए, आप सुनोगे जब तो बोलूंगा। और सातों सीट दिल्ली की, चांदनी चौक के अंदर सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। संदेश खाली का अगर वो गुनाहगार है, तुम कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे, ठीक है? अरे भैया सुनो, मैं लोकतंत्र के नहीं, गलत के खिलाफ उठाते हैं आवाज। हाथरस के कांड को इन्होंने आंखों से देखा, वीडियोग्राफी हुई, ऑन कैमरा बॉडी जलाती हुई देखी, लेकिन इनका कुछ नहीं है। संदेश खाली भी गलत है ना, तो उस बंदे को भी सूली पे लटकाओ, ठीक है, ठीक है। अरे भैया मैं नहीं कह रहा, और दिल्ली में पकड़ा गया, हल्द्वानी से पकड़ा गया, आज योगी सरकार जो है ना, उसी तरह का वहाँ कानून बनाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, और यही सारी प्रॉपर्टी कुड़क हो जाएगी, कि देश के संविधान से जो खेलेगा, देश विरोधी जो नारे लगाएगा, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ब्रेन वॉश इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रेन वॉश कर दिया लोगों का। वो बनारस का कांड, तीन बीजेपी के अध्यक्ष थे, पार्टी के आईटी सेल के, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थी, क्या कार्रवाई होगी? मकान कुर्क हो गया उनका, प्रदेश में जो हुआ दलित लड़की के साथ, और वो जो पेशाब कर दिया एक के मुंह पर, ठीक है, क्या बोले? देखिए जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन पे खींच है, वो खींच क्या है कि मोदी सरकार आ गई, अगर मोदी दोबारा आ गया ना जाने हम इस देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनके सोच में वो डाल दी गई है, जो ये पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनएजुकेशन है, और जो आदमी, मैं बताता हूं, जो आदमी योगी मोदी साहब ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कलम, कोई गलत नहीं कहा है, क्या बोलेंगे? मैं कहता हूँ दोनों हाथ में कलम चाहिए भैया, हमें दोनों हाथ में कंप्यूटर चाहिए, सुनो तो दोनों हाथ से पढ़ लेंगे तुम कुरान और वो कलम, चल जाएगा मामला। सुनो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में मोदी जी कहते हैं, मोदी जी सुनो सुनो, मोदी और योगी सरकार ने कहा है कि मेरे मुस्लिम भाइयों मेरी बहनों, एक हाथ में कलम और एक हाथ में कुरान, कुरान और कलम, आप मुझे बता दीजिएगा कुरान से पहले क्या लिखा रहता है? सुनो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी और भाजपा का समर्थक पता है क्या किस नजरिए से देखता है? सुनो सुनो, भाजपा का समर्थक देश का हिस्सा समझता है जब अपने नाम के आगे हिंदू लगाएगा, हिंदू अभिषेक, हिंदू सीताराम, हिंदू मुकेश। मैं कहता हूँ ये देश तब बदलेगा जब तुम अपने नाम के आगे शिक्षित लगाओगे, शिक्षित अभिषेक लिखो, शिक्षित सीताराम लिखो, शिक्षित मुकेश लिखो, हिंदू और मुसलमान मत लिखो अपने नाम के आगे, शिक्षा से उद्धार होगा। तुम हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हो कि मैं गलत को गलत देखता हूँ, ठीक है, मैं सही को सही देखता हूँ।
और हर धर्म जो है सबसे बेस्ट है, अव्वल है। आप मुझे बताइए, कुरान, महाभारत, गीता, बाइबल, ये चारों मंदिर हैं। चांदनी चौक में अपना जैन का है, गौरी शंकर मंदिर रहेगा, इधर जामा मस्जिद आएगी और गिरजाघर भी आएगा और गुरुद्वारा भी आएगा सिखों का। सब धर्म सब बराबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन आपके पास नहीं हो। मोदी जी ने एजुकेशन में क्या क्या किया, सवाल ये उठता है, क्या क्या किया मोदी जी ने? मोदी एजुकेशन में क्या क्या के लिए, आईआईटी के लिए आईआईटी दे दिए मोदी जी ने, हेल्थ सेक्टर को कहां से कहां तक बढ़ा दिया, आईआईटी दे दिए मोदी जी ने। बस इनसे पूछो कि दुनिया में भारत में सेकंड हाईएस्ट टैक्स किस चीज पर लगता है, किस चीज पे? ये टैक्स की तो गवर्नमेंट की बात है, लेकिन जनता जनार्दन का जो लोकल पॉइंट है, आप ये देखिएगा, आप मैंने आईआईटी की बात करी, आपने कहा टैक्सी बार, ये टैक्स पेयर तो जो वो लोग हैं हम देने वाले हैं, जो आम जनता, जो जनता जनार्दन है ना। आप एक ही किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। आप ये देखिएगा कि चोर चोर मुसेरे भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई और ये कभी नहीं आएगी, और 400 पार होगा मोदी, 400 पार होगा मोदी भाई। ठीक है, देखो देश बीमार, ठीक है, इसलिए मोदी सरकार 400 पार, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई अगर मोदी 400 पार आ भी रहा है ना, ठीक है, तो भी भाई अगर मैं कह रहा हूँ, भाई जीतना हारना अलग विषय है, लेकिन अगर देश ऐसी परिकल्पना करने लगे कि सरकारों से सवाल पूछने की जगह उनकी जिम्मेदारियां तय करने की जगह उनकी चमचागिरी करने लगे कि हाँ जी 400 पार ये वो कोई रोक नहीं सकता, अरे तुम इसलिए चुनो कि वो करेगा क्या। सबसे ज़्यादा टैक्स अभी सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो है वो एजुकेशन पर है, जीएसटी लगाने वाली, एजुकेशन पर जीएसटी लगाने वाली सरकार मोदी सरकार है, ठीक है। इससे पहले जीएसटी नहीं लगता था एजुकेशन पर, ठीक है, और ना टैक्स था। और भाई केंद्र सरकार का शिक्षा का बजट देख लो कितना है इस वक्त, 0.83% है होल बजट का, ठीक है, जबकि दिल्ली में 75% दिया था केजरीवाल ने 2017 के बजट में, ठीक है, मतलब अपने पूरे बजट का 75% उनने शिक्षा पे खर्च कर दिया, और केंद्र सरकार क्या खर्च कर रही है, 0.98%। मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल पे भारत कितना खर्च करता है, 1.83%। भूटान जैसा देश अपने मेडिकल फैसिलिटीज पर 22% खर्च करता है, ठीक है, वही जहाँ टेलीविजन नहीं है, सिनेमा घर नहीं है, उस देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये कर रहे हैं कि भैया कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन से नए कदम उठाए हैं, बता दीजिए। मोदी जी ने जिस टाइम महामारी आ गई थी, जो चाइना से बीमारी आई थी कोविड की, आप देखिएगा जितने भी हमारे हर स्टेट का है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लोग भाग रहे थे अपने रिश्तेदारों में, लोग लाइनों में जा रहे थे, लाइनों से कट गए सोते हुए नींद पे गाजियाबाद के आसपास, और उसका पैदल जा रहे थे। लेकिन मोदी ने वो चीज करी जो पूरा हब हिंदुस्तान का, क्या करा मोदी? जो कोविड के टीके लगाए 97 कंट्री को पहले भी दिए, उधर भी दिए, और जिन्हों की जान बची है ना उनसे पूछे जिन्होंने कोविड में टीके लगाए थे, एक बात। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड को अनाज दिया गया, पूरे देश के अंदर, देश में गरीबों को आज भी अनाज दिया जा रहा। और सर क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए मैं डिफेंस का आदमी हूँ, मुझे आप बताइए अग्निवीर योजना से कितना फायदा हो रहा देश को और जवानों को, लड़कों को, बताइए मुझे आप। ये सर 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 दो मिनट, अग्निवीर, अग्निवीर के बारे में बात पूछ रहे हैं प्लीज, आप बहुत अग्निवीर के बारे में। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुरान पढ़ने से आत्मा से अंदर से है, रोटी नहीं देगा खाने को आपको, प्लीज सॉरी टू से, आप बोले मैं खामोश पड़ा था, जब आप बोले मैं खामोश पड़ा था, आपको रोटी नहीं देगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हम पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान हम पढ़ेंगे, हम मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, हमें भगवान देगा हमारा, मोदी और कोई नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा, कमाना है ना, बताइए ये बताइए आप, डिफेंस अग्निवीर क्या लगता है, क्या सही स्कीम है योजना में, क्या मिलेगा बताइए ना मुझे आपको। वो बंदा 4 साल नौकरी करके आएगा, 5 साल में तो एक फौजी हमारा जो होता है वो सही मायने में सब सिपाही बनता है, वो ट्रेन होता है, 4 साल में बाहर आएगा, वो पैसे कितने मिलेंगे उसको, जो उसने लगा, जो उसने नौकरी की उसी के मिलेंगे ना, उसको पेंशन मिलेगी ना, उसको ब्याज मिलेगा, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। अब आप बताइए मुझे मंदिर मस्जिद क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, मुकुटा दे रखा है धर्म का, एक मुकुटा दे रखा है देशभक्ति का, और लोगों को बेवकूफ बनाया। बोल रहे क्या बोल रहे हैं भाई, 2000 में मोदी जी आने वाले, मेरी भी एक वोट है, मैंने उनके लिए लिस्ट बना रखी है, अपनी मैडम के भी बोल दिया, बहकावे मत आ जाना, जब बूथ पे जाओ बहन जी तुम तो हमारे पड़ोसी, यहाँ वोट डाल दो, कान खोल के सुन ले, नरेंद्र मोदी कमल के फूल भाई वोट जाएगी, कार्य अच्छे करें, टॉपर काम करें, जनता को बोलना कार किए क्या, बहुत नोटबंदी करी, बेईमानों के दर्द उठता है, अब नोटबंदी अच्छा सफल रहा,
2000 के नोट क्यों बंद हो गए? अरे मैं उसी के तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब और कर दे 500 के, जो जिसका 1500 2500 के दोनों, फिर ग्रेस कैसे चले? जो लाला यहाँ बैठे है ना वो छोटे भैया, एक मिनट जो लाला यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ हाँ सुन लो, उनकी तनख्वाह क्या लगाते हैं साले, जो अनपढ़ आदमी है या बेचारे मजदूर हैं, क्या लगाते हैं उनकी ना 12000 में नौकरी करेगा मेरे यहाँ, उसे मजबूरी में करनी पड़ती है। यदि उसी लाला के लड़के से यह कही जाए, अरे लाला जी अपने लड़के को मेरे पास भेजो, तुम 500 दे रहे हो, मैं 1000 रुपये दूंगा, वो खुद नहीं रुकेगा, क्यों? उसका बापू जो काला धन पहले ही कमाता है, 100 रुपये की चीज़ को 5000 में बेच देता है, तो गरीब का बच्चा गरीब रहेगा। और जो नंबर दो का काम करते थे मोदी जी ने, यही तो पट फेरे हैं कि क्या लाला तो गरीब नहीं, लाला गरीब हो गया अब, लाला तुम्हारे साथ घूमता अब कंधे में कंधे, हाथों में हाथ डाल के, बाहों में बाहें डाल के, अब लाला बंदी नोटबंदी गिनवा रहे, अब जो लाला की जो कोठी है, लाला की जो कोठी है वो तुम्हारे घर के बगल में पहुंच गई है, ठीक है, तुम्हारा लाला का घर की दीवार एक है, हम ना करें नौकरी 30000 रुपए भी, हाँ हुनरबाज है, हाँ नहीं मैं पूछ रहा, लाला गरीब हो गया मोदी जी के, नौकरी ना करें हम 30000 में भी, लाला हुनरबाज है, अरे लाला सुन तो लो, अरे यार लाला तुम्हारा शोषण कर रहा था तो लाला अमीर था, ठीक ठीक, अब ये बताओ मोदी जी ने नोटबंदी करी तो लाला गरीब हो गया कि नहीं? क्या मतलब गरीब क्यों नहीं हुआ? अब जाएंगे नहीं जेल, जाएंगे ना लोग, अब लोग जाएंगे नहीं जेल में, मैडम कहाँ से आ रहे हैं पैसे जी? मुझे तो 450 रुपये देते हैं, जब नोट कौन दे जाता है, हम तो बैंक में बल दे देते हैं, ये क्यों कराए उसने, कानून क्यों बनाई है? आ जाएंगे लोग, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा करा जो मोदी जी ने कराया, नोटबंदी करी तो अच्छा करा, और ये गरीबी में यूपी में वो समदान घाट की छत गिर गई थी, लोग दफनाने गए तो खुद मर गए, वो सही हुआ, वो तो अपने घर की छत गिर जाती है उसके क्या हाथ, अच्छा समझ, नोटबंदी पर क्या बोले, बहुत अच्छा किया था नहीं ये बताओ, नहीं नहीं अरे मोदी जी सुनो सुनो, पहले जो पुल गिरते थे वो मोदी जी डालते थे, फिर क्या बोलेंगे भाई, बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, देश का नुकसान ऐसे लोग तो कर रहे हैं, अभी मोदी की सरकार जानी भी जरूरी है, ये लोग कहते ऐसे लोग खत्म होने चाहिए देश में, इन लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है भाई, ऐसी सोच रखने वाले सच में देश के लिए घातक हैं। ये तो नोटबंदी को फायदा बता रहे हैं भैया, तुम्हें लगा नहीं उनका मानसिक एक पेज ढीला है, मानसिक रूप से गड़बड़ है मामला, इनको कोई फायदा नहीं है, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ना इनके पास ज्ञान है ना ये ज्ञान दे सकते, ठीक है, सारा कुछ वेस्ट है, इनके आगे बोलना वेस्ट है, सारी चीज़ें बर्बाद। सवाल है 24 में कौन आए, किसकी सरकार देगी, किन मुद्दों पे वोट भाई? मैं तो देश के सरकार है, हाँ वो राजनीति हमारी जो यहाँ की है ना, ये धर्म निरपेक्ष वाली राजनीति हो रही है, ये समझ रहे हो? ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, ये इंसान को धर्म में बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं, वर्ण में बांट दे रहे हैं, आप समझने वाली बात समझो। ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, नहीं बीजेपी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है ये क्या है, ये धर्म में बांट देते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हम धर्म से जीत जाएंगे। अगर कहो आप विकास के नाम पे, तो क्या विकास कर दिया? बड़े बड़े विकास बता दो आप मुझे, और जो विकास करते हैं आप केरला गवर्नमेंट का उठा के देख लो, अभी कोर्ट में उन्होंने डाला है कि हमारे को एलजी रोक देता है वहाँ का, दिल्ली गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है एलजी साहब का, केजरीवाल साहब जब जाते हैं एलजी साहब रोक देते हैं, कोई भी काम होता है एलजी साहब पहले आके रोक देते हैं, अभी उनको अलॉट हुए थे 10 प्लॉट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को, एनसीटी को, तो एलजी साहब वहाँ पे पहुँच गए, यूं बोले नहीं जी आप दो बनाओगे, अब बताओ जो इसे मोदी जी आएंगे कि नहीं जी? सबको पता है आएंगे, वो आएंगे आएंगे जी, जी अंधभक्त हैं, अब हम अंधभक्त का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो एजुकेटेड बंदा होगा, जो यूथ होगा, आप खुद सोचो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, चलो चलो आपको पता है, सबको पता होगा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया, अब बताओ कितनी तैयारी लगती है? आपको पता है एक बालक सवेरे 6 बजे उठता है, फिर पढ़ता है, वो शाम तक पढ़ता रहता है, अपने घर वालों के ताने दुनियादारी सुनता है, और जब वो पेपर दे के आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो लिया, सोचने वाली बात है। और देखो अंध लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनके हिसाब से कौन सी सरकार है? मेरे हिसाब से तो जी सरकार कोई बढ़िया नहीं है, जो मैं अपना तर्क देता हूँ, हाँ फिलहाल में अगर कांग्रेस थोड़ा आई, अगर हला भला हो गया तो हो गया, बाकी कुछ कह नहीं। याना से? नहीं जी मैं तो मूल निवासी दिल्ली का हूँ, थोड़ी बस बोली वैसी है। क्या मुद्दा बताइए 24 में क्या रहेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देश जागे तो देश सो गया है, तो देश को विवेकानंद की जरूरत है, जागो भारत, देश को तीसरी आँख की जरूरत है, पुस्तकें एजुकेशन, जिससे देश बहुत दूर है अभी, ठीक। देखो वो देश का सर्वनाश कर चुके, सत्यानाश कर देंगे, 500-700 घर और तोड़ेंगे और विकास कर देंगे, और कुछ नहीं होगा देश में, ठीक है। अब डेवलपमेंट के नाम पे अतिक्रमण हटाना रह गया, बुलडोजर कल्चर चल चुका है, ठीक है, बेसिक नीड्स के बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे। आज लोगों के घर टूटते हैं तो लोग खुश होते हैं, पहले टूटते थे तो लोगों को दुख होता था कि उसका घर टूट गया,
अगर अवैध हो चाहे वैध हो, किसी की गृहस्थी उजड़ती है ना तो लोगों को दुख होना चाहिए, लेकिन लोगों को आज खुशी हो रही है क्योंकि लोग उसमें भी धर्म ढूंढ बैठे हैं, ठीक। और ये दुर्भाग्य है देश का, और ये उपलब्धि है मोदी सरकार की, इसलिए मोदी सरकार जीतेगी, ठीक है। और जीतनी चाहिए नहीं, देश को जागना चाहिए, देश को असल मुद्दों पर चुनाव और वोट करना चाहिए। 400 पार का नारा, चार सौ पार का नारा, देखो दुर्भाग्य है इस देश के लिए, किसी भी नेता में इतना कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आना चाहिए। 400 पार, देखो इंदिरा गांधी को भी कॉन्फिडेंस आया, क्या मिला देश को? इमरजेंसी मिली ना। जब नेताओं को इतना सहयोग मिलता है, इतना समर्थन मिलता है, तो नेता मनमानी करते हैं, और मनमानी चल रही है। यही लोग, मैं कह रहा हूँ एक वक्त आएगा, हो सकता है उसे आने में 20 साल लगे, 25 साल लगे, जब ये नेता अभी आज स्टेज पर चढ़ते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं और नेता प्राउड फील करते हैं, वो दिन दूर नहीं, लेकिन आएगा वो वक्त कि एक वक्त ऐसा होगा कि जय श्री राम के नारे लगेंगे और इनका विरोध होगा और इन नेता को पब्लिक ढूंढेगी, इन्हीं नारों के पीछे ढूंढेगी, वो दिन आएगा। ये दिन आने में समय लगेगा क्योंकि जो अभी 18 के हैं, जब तक वो 38 के नहीं होंगे, जो 25 के हैं वो 45 के नहीं होंगे, तब तक इन लोगों को होश नहीं आएगा। सब कुछ गंवाने के बाद होश आएगा, तब तक देश में कुछ बचेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लोगे लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे तब तक। देश का पहला शास्त्र है नागरिक शास्त्र, मॉरलिटी, और इस सरकार ने देश में मॉरलिटी और नागरिक शास्त्र होने की जितनी जिम्मेदारियां वो खो दी हैं और ख़त्म कर दी हैं लोगों के बीच में। एजुकेशन पर कुछ काम किया मोदी सरकार? एजुकेशन पर ना किया ना करेगी, आने वाले 20 सालों तक तो करेगी नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। एजुकेशन पर वोट कर कौन रहा है, किसे ज़रूरत है एजुकेशन की? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप चली पड़ा है, लोग फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पर आ ही जाते हैं, ठीक है, और भाषण देकर, भड़काऊ भाषण देकर, जो जितना कम्युनल है वो उतना पॉपुलर है, जो जितना हिंदू मुस्लिम पर बोल सकता है वो उतना कम्युनल है, जो जितना एक दूसरे धर्म को गाली दे सकता है वो उतना पॉपुलर है। तो देश में बाढ़ आ चुकी है विरोध करने वालों की, ठीक है, देश का विरोध करने वालों की, ठीक है, और देश अपने सही भूमिका में नहीं है। जो देश गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय और हजारों शहीदों ने जो देश दिया हमें, उस देश की मूलभूत धारा से ये देश हट चुका है। अगर लोग कह रहे हैं ना कि कहते हैं ध्रुव राठी कौन है कहने वाला कि डिक्टेटरशिप चल पड़ी है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो गलत कह रहा हो, मगर अगर किसी के दिमाग में गलत तौर पर भी ऐसा विचार आया कि देश में डिक्टेटरशिप है, तो ये देश के लिए चिंतन का विषय है। देश का बाहरी बताया जा बोला, एक बाहरी आदमी कैसे बोल सकता है इंडिया का? अगर वो शहरी होता ना, उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, वो बाहरी नहीं है तो वो इंडियन ही। और ये गनीमत है कि वो देश के बाहर से वीडियो बना रहा है, वो देश के अंदर होता तो उस पर UAPA में मुकदमा होता, ठीक, पुलिस उसको डिटेन कर लेती और उसको कितने दिन की जेल होती है हमें पता नहीं होता, उसके घरों पे बुलडोजर चल रहा होता, ठीक है, और उस पर नए नए मुकदमे लग रहे होते, ठीक है। तो ये देखो सरकारों का धर्म है कि अपना विरोध झेलें। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी, एक नारा दिया गया था, अटल बिहारी अटक गया, आलू प्याज सटक गया। सोचो किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द हुए थे, अटक गया। आज तुम बोल के दिखाओ एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री का विरोध फिर भी आसान है, मुख्यमंत्री का और मुश्किल है, और मुख्यमंत्री से नीचे विधायक ब्रजभूषण सिंह सरन का और मुश्किल है, ठीक है। तो देश में जितना छोटा नेता तुम उसका उतना विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें नपवा देगा। क्या लगता है सच में डिक्टेटरशिप आ गया भाई? देखो डिक्टेटरशिप तो चली रही है लेकिन अघोषित है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं आई है, मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट तौर पर आ गई, लेकिन आ गई है, कुछ हद तक तो आ गई है, कुछ तो सच्चाई है। चलिए ठीक, थैंक यू।